वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज मैं बताने वाला हूँ, आप जैसे कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं और वो अपलोड करते ही उसके उस वीडियो में कॉपीराइट क्लेम जैसा आपको आ जाता है और वीडियो भी ब्लॉक हो जाती है, तो उस तरह में आपको बहुत परेशानी हो सकता है क्योंकि उसमें आपका क्या मोनेटाइज भी डीमोनेटाइज हो सकता है। और उस वीडियो की तो आपको तो वार्निंग होंगे ही नहीं, आप देख सकते हो मैंने एक यहाँ पे एक वीडियो अपलोड की थी, तुरंत कॉपीराइट ये अपलोड इस ब्लॉक वीडियो भी ब्लॉक कर दिया और कॉपीराइट भी आ गया। और मोनेटाइज का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, वो तो मोनेटाइजेशन तो बंद ऑफ ही हो गया। अब इसको प्रॉब्लम कैसे सोल्यूशन करेंगे, कैसे ठीक करना है, इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा कि ताकि आपके वीडियो में अगर कैसे है, अगर थोड़ा सा कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है तो उसको डिलीट नहीं करना है, पहले एक बार देख लें कि उसको प्रॉब्लम क्या है, उसमें किसकी किस वजह से इसमें कॉपीराइट आया है, तो उसकी डिटेल्स आपको पड़े उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो बाद में डिलीट ही कर देना है, पर पहले उसको कैसे ठीक करना है, इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्यूशन निकालना है, इस वीडियो में मैंने पूरे बताया हूँ और लाइट प्रूफ दिखाया हूँ कि इस वीडियो को ही मैंने पब्लिक किया और इसको मोनेटाइज भी किया और इसमें ऐड भी चालू हो गए, इसका लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, आप देख भी सकते हैं। इस प्रूफ में मैं लाइव प्रूफ भी दिखा रहा हूँ कि ये वही इसी वीडियो को मैंने कैसे मोनेटाइज कर दिया और इसको मैंने कॉपीराइट क्लेम को कैसे ठीक किया और ख़ुद का वीडियो अपना पूरा बना लिया इसको। तो इसके डिटेल्स को जानने के लिए आपको क्या करना है, जब भी अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो आपको YT स्टूडियो खोल लेना है क्रोम ब्राउज़र में और अपने यूट्यूब चैनल में चले जाना है। यूट्यूब चैनल में जाने के बाद में आपके वीडियो सेक्शन में जाना है, जो आपका जो भी वीडियो है उस वीडियो पर क्लिक कर देना है। वीडियो पर क्लिक कर देने के बाद में आपको कॉपीराइट में जाना है। कॉपीराइट में जाने के बाद में वहाँ पे कॉपीराइट डिटेल्स दिख जाएगा, कॉपीराइट डिटेल्स में जाके क्लिक करना है। वहाँ पे आपको तुरंत वहाँ पे दिख जाएगा कि किस वजह से आप क्यों इसमें कॉपीराइट आया है और किसका आपने कंटेंट यूज किया है तो उसने कॉपीराइट दे दिया है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको आप उसमें एक यूट्यूब एक अच्छा बटन देता है को आप उतने पार्ट को आप डिलीट कर सकते हैं, तो आप उसको क्या करना है, उस कंटेंट को आपको क्या करना है, कट कर देना है, जितना उसमें टाइमिंग अपने आप सेट हो जाएगा उसको कट कर देना है। अगर वो इतना प्रॉब्लम है, अगर वो ठीक होता है तो उसको कट कर देना है, मैंने उसको कट कर दिया और कट करने के बाद में उसको प्रॉपरली फिर कंटिन्यू पर कर देना है। वो कुछ देर बाद में वीडियो अपडेट हो गया, अपडेट होने के बाद में अपडेट हो जाएगा, अगर उसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा तो तुरंत आपको फिर वो नॉन हो जाएगा और आपका वीडियो नॉर्मल हो जाएगा। मैंने भी ऐसे ही किया इस वीडियो को, पहले मैं इसको डिलीट नहीं किया और कॉपीराइट वहाँ पे जाके डिटेल्स को चेक किया और चेक करने के बाद में मैंने इसको इस वीडियो को पहले मैंने उसको जितना भी पार्ट यूज हो गया था कॉन्टेंट दूसरे का उसको रिमूव कर दिया, कट कर दिया, वापस फिर मैंने इसको अपडेट किया वीडियो को, उसने तुरंत ऑप्शन आ गया, उसको मोनेटाइजेशन का वीडियो भी ब्लॉक से हट गई। और ये वीडियो देखो आप लाइव इसको देख भी सकते हैं कि देखो मैंने आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि वीडियो में ऐड भी आ रहे हैं, मैंने इसमें मोनेटाइजेशन भी ऑन कर दिया, अभी इस वीडियो में कोई कॉपीराइट नहीं है, कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं है। तो आप भी जल्द घबराएं नहीं, कॉपीराइट क्लेम का जो होता है कॉपीराइट क्लेम कोई दिक्कत नहीं होता है, उससे आपके चैनल को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, कॉपीराइट अगर आ गया है तो उसमें इफेक्ट होता है, उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पर कॉपीराइट क्लेम में नहीं होता है। अगर कॉपीराइट क्लेम में क्या होता है, अगर वीडियो मोनेटाइज हो जाएगी तो दूसरे को अर्निंग जाने लगता है या उसका पार्ट डिलीट कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो में आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं, मेरे वीडियो में ऐड भी आ रहे हैं, आप भी ऐसे कर सकते हैं, ईमानदारी से वीडियो बनाएं, हो सके तो किसी का कंटेंट यूज ना करें, वो गलती से कभी हो जाता है तो इसको ठीक कर सकते हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।